हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर बायो मॉलिक्यूल। उसमें से हमने शुरू किया था न्यूक्लिक एसिड, ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड एंड हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो उसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं डीएनए का। तो इसका पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहता है डीएनए का? देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन का देख लीजिए या डीएनए का देख लीजिए या न्यूक्लिक एसिड का देख लीजिए, तो ये बेसिकली बताता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपको पता है प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना है। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं भाई अलग अलग, आप शुगर चेंज कर लो, आप बेस चेंज कर लो, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल बताता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन, राइट। अब आप देखिए, एक साइंटिस्ट हुए हैं ई चेरगैप्स, राइट, सी एच ए आर ए जी ए एफ एफ। इन्होंने क्या कहा? द बेस कंपोजिशन इन डीएनए वेरिड फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस। इन्होंने कहा कि जो बेस कंपोजिशन है, बेस कंपोजिशन इन डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पेसिस टू अनदर। इसका क्या मतलब, बेस कंपोजिशन का क्या मतलब है? आप देखिए, डीएनए में आपको कहीं ना कहीं बेस दिखा होगा, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होंगे, न्यूक्लियोटाइड में बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जो बेस है वो भी मैंने आपको पांच बताई, वो एडिनिन हो सकता है, वो साइटिन हो सकता है, वो ग्वानिन हो सकता है, राइट, वो थाइमिन हो सकता है, वो यूरेसिल हो सकता है। तो ये अलग अलग बेस हो सकते हैं भाई। तो इसी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ई चेरगैप, कि ये कंपोजिशन अलग अलग होता है हर स्पेसीज में। बट उन्होंने एक चीज़ कही, राइट, उन्होंने ये कहा कि हर केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू थाइमिन और अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। मतलब जितने एडिनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। तो अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएं इसमें, तो आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी या टी प्लस सी। और आप देखेंगे जो ए प्लस ए और जी हैं, जो एडिनिन और ग्वानिन है वो हैं प्यूरिन्स, और जो सी और टी हैं वो हैं पिरिमिडिन्स। तो इसका मतलब है क्या हो जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स। इंडिविजुअल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, बट हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, जो एडिनिन और ग्वानिन के नंबर का जो सम है वो साइटोसिन और थाइमिन के बराबर होगा। बट ये रेशियो चेंज हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ए और जो रेशियो किस तरीके का है, अगर आप इनको चेंज कर दें, एडिनिन और थाइमिन का ए टी और इधर से साइटोसिन और ग्वानिन, ये क्या हो सकता है, इट वेरीज, ठीक है। और ह्यूमन में ये वाला जो रेशियो है ये होता है 1.52 इन ह्यूमन, और ये होता है, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई या इशरकिया कोलाई, आपने पढ़ा होगा, 0.93 उसमें होता है, राइट। ये हम सब अभी बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। अब आपने ये भी देखा होगा, बायो वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो 3D स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का। 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय, ये किसने दिया था भाई, ये दिया था, इट वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, राइट, कब, 1953 में। अब इसमें है क्या भाई, इसमें क्या है भाई 3D स्ट्रक्चर में, ये जो वॉटसन और क्रिक ने समझाया, उन्होंने कहा दैट इन डीएनए
टू राइट हैंडेड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉइल्ड अराउंड सम सेंट्रल एक्सेस राइट। और साथ में कहा द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हो रही हैं। इसमें क्या है, देखिए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में हमने क्या कहा, उसमें एक साइड होता है 5' एंड, फिर होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, होता है कि नहीं होता है, मैं फॉस्फेट ग्रुप को P से लिख दूं, फिर होती है एक शुगर, S से लिख दूं, शुगर से जुड़ा होता है बेस, और यही ग्रुप चलता रहेगा। ठीक है, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, शुगर से बेस, फॉस्फेट, शुगर, शुगर से बेस, और ये आगे चलता रहेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैं 3' एंड भी दिखा सकता हूँ। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुआ होती है। इन्होंने कहा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी और ये आपस में कैसे ज्वाइन होंगी, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया व्हाट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़। अब इन्होंने कहा ये क्या है, बेसिकली राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड का मतलब आप इसको इस तरीके से राइट साइड से ऐसे घुमाइए, राइट। अब बहुत अच्छा ड्राइंग मेरी बनेगी नहीं, आप बायो वाले जो हैं या जिनकी अच्छी ड्राइंग है वो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन दिखा रहा है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन ये है। अब कैसे भी आप बना लो, बहुत ज़्यादा ड्राइंग अच्छी ज़रूरत है नहीं। ये हो गया, इन्होंने कहा ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन राइट हैंड की तरफ घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट हो रही हैं एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, और ये दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब यहाँ 5' एंड है, तो ये ख़त्म कहाँ हो रही है, यहाँ, तो इसका 3' एंड ये होगा, जबकि जो दूसरी वाली है इसका यहाँ होगा 3' एंड और ये होगा 5' एंड। ये हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं डबल हेलिक। ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये दोनों चेन आपस में जुड़ी कैसे हैं, देखो बेस की पेयरिंग हुई है, बेस आपस में जुड़े हैं। यहाँ अगर ग्वानिन है तो ये ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, और एडिनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा। यही तो ई चेरगेफ ने भी कहा था कि जितने एडिनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ जी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ सी लिखता हूँ, तो क्या होगा, ए ने हमेशा जुड़ना है टी के साथ और सी ने हमेशा जुड़ना है जी के साथ, या जी ने हमेशा जुड़ना है सी के साथ, कैसे भी मैं लिख दूँ, इस सीक्वेंस को याद करने की ज़रूरत है नहीं। टी लिख दिया इधर, जी लिख दिया, तो यहाँ टी के सामने क्या आ जाएगा भाई, ए, जी के सामने क्या आ जाएगा, सी, राइट। ऐसे अगर मैं लिख दूँ, इधर लिख दूँ मैं जी सी टी ए, कुछ भी आप लिख लीजिए, तो जी के सामने हमेशा आएगा भाई सी, सी के सामने आएगा जी, टी के सामने आएगा ए, ए के सामने आएगा टी, ठीक है। ये अब ये चेन आपस में जुड़ी कैसे हैं, ये जुड़ी हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखिए जो ग्वानिन और साइटोसिन है इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और एडिनिन और थाइमिन के बीच में बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा आप ऐसा दिखा सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जो इन चेन को आपस में जोड़े हुए। तो आप सोचिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हम देख चुके हैं अभी तक, ठीक है, क्लास 11 से अभी तक हमने कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देख चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ये है भाई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA जो दिया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ये हम सब ने ये जो चीज़ मैंने बताई है, ये बताई है मैंने आपको अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या कहता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वही कहता है जो जनरली वॉटसन एंड क्रिक ने समझाया। ये कहता है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स
ठीक है, एंड दिस बॉन्डिंग इज, एंड दिस बॉन्डिंग इज वेरी स्पेसिफिक, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. क्यों है ये स्पेसिफिक, वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक. क्यों है स्पेसिफिक भाई? बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस परमिट ओनली वन मोड ऑफ पेयरिंग. मतलब बेस के जो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके से हैं कि उनके बीच में हमेशा एक ही तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है. और वो बॉन्डिंग क्या है भाई? एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, ठीक हो जाएगा. और जो साइटोसिन है दैट ऑलवेज विल बाइंड विद ग्वानिन, ठीक हो जाएगा. अब अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो एडेनिन और क्या है, हमने बताया आपको जो एडेनिन है वो क्या है, एडेनिन है भाई प्यूरीन, ठीक है. और जो थाइमिन है वो है पिरिमिडिन. प्यूरीन में क्या होते हैं? दो फ्यूज रिंग होते हैं. पिरिमिडिन में क्या होते हैं? एक ही फ्यूज रिंग होता है. तो इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इनकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से है कि एक होगा प्यूरीन, एक पिरिमिडिन. मतलब आप सब लिख लीजिए चाहिए तो, एक तरफ होगा प्यूरीन, एक तरफ होगा पिरिमिडिन. दोनों जगह प्यूरीन नहीं हो सकता है, दोनों जगह पिरिमिडिन नहीं हो सकता है. क्यों, ये भी समझ लीजिए. प्यूरीन दोनों जगह होगा तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी आएगी नहीं. दोनों जगह पिरिमिडिन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, लूज होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाएगी, राइट. इसलिए एक जगह प्यूरीन, एक जगह पिरिमिडिन. इसलिए बॉन्डिंग कैसी है? एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन. तो आप देखिए यहाँ साइटोसिन क्या है, एडेनिन क्या है, चाहो तो मैं लिख दूँ. एडेनिन है भाई पिरिमिडिन, ठीक है. और थाइमिन क्या है भाई? थाइमिन है प्यूरीन, आप देख लीजिए मैंने आपको बताया है पहले, ठीक है. साइटोसिन क्या है भाई? साइटोसिन है प्यूरीन. और ग्वानिन क्या है भाई? ग्वानिन है पिरिमिडिन, ठीक हो जाएगा. अब आप कहोगे तो प्यूरीन और पिरिमिडिन के और भी तो पेयर बनते हैं, केवल ए टी के साथ ही क्यों और सी जी के साथ ही क्यों? अगेन इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकते हैं, होते हैं कि जो प्यूरीन पिरिमिडिन का पेयर बना है ए और टी से, वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. अगर इनकी जगह में कोई और होता, मतलब ए क्या मान लीजिए जो एडेनिन है वो किसी और प्यूरीन के साथ बॉन्ड बनाए, मान लो ए यूरेसिल के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ए किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ए थाइमिन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा. तो ए और टी का जो बॉन्ड है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि ए यूरेसिल और साइटोसिन के साथ दो नहीं बना सकता है, दो से कम, एक या इवन एक नहीं भी बन सकता, ऐसा होता है, राइट. ऐसी आप देखिए जो साइटोसिन है और जो ग्वानिन है, तो ग्वानिन क्या कर सकता है? ग्वानिन किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है भाई? ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है, ये यूरेसिल के साथ भी बना सकता है, ये थाइमिन के साथ भी बना सकता है. बट इसके साथ जब ये बनाएगा तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ हमने दो हाइड्रोजन बॉन्ड देखे थे. तो ग्वानिन और यूरेसिल में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, दो बनते हैं, या किसी में एक भी बन सकता है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से पता चलेगा, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है. ऐसी थाइमिन के साथ भी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, राइट. ये कॉज है क्यों ऐसा होता है कि एक जगह एडेनिन एक जगह थाइमिन ऐसा होगा, और एक जगह साइटोसिन एक जगह ग्वानिन ऐसा होगा, राइट. तो कुल मिला के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कैसे? मान लीजिए अगर स्ट्रैंड वन है, स्ट्रैंड वन का मतलब एक चेन, स्ट्रैंड वन में इस तरीके का है बेस का कॉम्बिनेशन ए सी, मैं केवल बेस बता रहा हूँ, ए सी जी टी सी ए, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट यूनिट का तो ज़्यादा फर्क है नहीं, वो कॉमन ही है मतलब. तो स्ट्रैंड वन अगर ये है तो स्ट्रैंड टू अपने आप ही फिक्स हो जाएगी. स्ट्रैंड टू में क्या आ जाएगा भाई? ए के साथ आना है टी, सी के साथ आना है जी, जी के साथ आना है सी, टी के साथ आना है ए, सी के साथ आना है जी, ए के साथ आना है टी. और मैंने आपको बता दिया ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट. ये डॉटेड लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये हो गया, राइट. कुछ और बातें इसके बारे में हम देखते हैं.
किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जो डायमीटर है हेलिक्स का, ठीक है, डायमीटर कितना है हेलिक्स का, डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर, ठीक होगा। इसके साथ क्या होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इट रिपीट्स एट 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस में। रिपीट होने का मतलब है वही बेस सीक्वेंस रिपीट होता है 3.4 नैनोमीटर के बाद, व्हेन इट कंप्लीट्स वन टर्न, एक टर्न पूरा होने के बाद दूसरा टर्न शुरू हो रहा है, तो इतने की डिस्टेंस कितनी है, कितनी हो जा रही है डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर। रिपीट होने का मतलब है वही बेस सीक्वेंस फिर आपको मिलेगा, राइट। और इस पूरे बेस सीक्वेंस में कितने बेस आते हैं, दिस वन टर्न करस्पॉन्ड्स टू 10 बेस पेयर्स। आई बात समझ में? तो ये हमने बताया आपको क्या चीज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हैं भाई, बेस पेयर से जुड़े हैं। आप इसको एक सीढ़ी जैसा समझ लीजिए, राइट। तो दो जो ये जो आपके रॉड हैं, ये वाली, ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये बेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस आपस में जुड़े हैं। अब मान लीजिए ये क्या है, रबर की है लेडर, तो आपने इसको एक साइड से फिक्स कर दिए, करके अगर दूसरी साइड से रोटेट कर दिया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा एग्जैक्टली वही होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। और वो है डीएनए का स्ट्रक्चर, सीधी सी बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखिए भाई, एक और चीज़ होती है ऑन हीटिंग, अगर आपने इसको हीट कर दिया, ऑन हीटिंग द टू स्ट्रैंड्स सेपरेट, राइट। हीट करने पर ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेट, और ये हो जाते हैं मेल्ट, ये इसको हम मेल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। फिर से अगर आप इसको कूल करोगे, ऑन कूलिंग दे अगेन हाइब्रिडाइज, मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज, इसको हम कहते हैं एनीलिंग, ANNEALING, ठीक हो जाएगा। अब ये अलग अलग जो बेस है उनके लिए अलग अलग होता है, जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच द टू स्ट्रैंड्स कंप्लीटली सेपरेट इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर। जब दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर, और ये हर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस के लिए अलग अलग रहेगा, राइट। इतना बहुत आसान सी बात है। अब एक बात और हम देख लेते हैं, हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा टीएम होगा भाई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीजी में क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जितना सीजी का कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टीएम होगा, राइट, मेल्टिंग टेम्परेचर। सिंपल से बात है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के लिए, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के लिए जितना ज़्यादा सीजी का कंटेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, टीएम होगा, सीधी बात है। तो ये मैंने आपको बताया डीएनए का। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। क्या है भाई, चाहो तो आप लिख लो, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए, जैसा डीएनए का होता है वैसा ही होता है, इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए, ठीक है, एक्सेप्ट, अंतर क्या है इनमें, एक्सेप्ट दैट इट इज सिंगल स्ट्रैंड, इट इज अ, आप जो बायो वाले हैं वो ज़्यादा डिटेल में जानते होंगे, नॉन बायो वालों को इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं फिलहाल। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें डबल स्ट्रैंड होता नहीं है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। बट किसी टाइम में क्या होता है, समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्फ
सेल्व्स फॉर अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, फॉर अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कुल मिला के जो मेजर डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो क्या है, डीएनए का होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, और कभी कभी ये एक स्ट्रैंड ही अपने ऊपर क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, तो दो स्ट्रैंड अलग से है नहीं। ठीक है, एक और बात नोट कर लो आरएनए के बारे में, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स आरएनए, ये तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए यानी इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपके पास है नहीं, जितना आपके काम भर का था मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे, दो पार्ट में हमने न्यूक्लिक एसिड को ख़त्म किया है, राइट। तो आई होप आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।